मणिपुर में 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, हिंसा रुक नहीं रही है। हिंसा के अलग अलग घटनाएं आए दिन सामने आ रही। वहां के हालात को सामान्य करने की सरकार की कोई मंशा, कोई कोशिश नजर भी नहीं आ रही। वहां पर जो जातीय संघर्ष खड़ा हुआ, वो राजनीतिक विचारधारा से उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसका समर्थन मिल रहा है। केंद्र की सरकार भी मणिपुर पर अब कुछ बोल नहीं रही है, कुछ सुनना भी नहीं चाहती और अखबारों में छप भी नहीं रहा है। मणिपुर की राज्य सरकार भी मानो मणिपुर की हिंसा को अब कुछ समझ ही नहीं रही है। वो इस हिंसा को बहुत हल्के में ले रही है, या यूं कहें कि जिस हिंसा को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मणिपुर की राज्य सरकार जिस हिंसा के पीछे है, लिहाजा मणिपुर की सरकार इस हिंसा को रोकना ही नहीं चाहती है। संजीदा इतनी है मणिपुर की सरकार कि विधानसभा का सत्र बुला लिया गया मणिपुर की हिंसा को लेकर नहीं, मणिपुर की हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना देने के लिए नहीं, मणिपुर की हिंसा में हुए नुकसान की जानकारी देने के लिए नहीं, विपक्ष को यह बताने के लिए नहीं कि सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए क्या किया है, मणिपुर की राज्य की जनता को यह समझाने के लिए नहीं कि अब हिंसा का दौर खत्म होने को है, शांति बहाली हो रही है, लिहाजा आप अपने घरों को लौटिए, बल्कि मणिपुर की विधानसभा का सत्र बुलाया गया केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि सिलेंडर पर 200 रुपए कम कर दिए गए हैं और चंद्रयान चांद पर पहुंच गया है। बोलता हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकरली। हिंसा के 100 दिन के बाद भी एक सत्र बुलाया गया जो मंगलवार को आयोजित हुआ। एक दिन का सत्र महज 11 मिनट चला। हंगामे के बीच स्पीकर थोकचोम ने अनिश्चितकाल के लिए इसे स्थगित कर दिया। ये सत्र मणिपुर की हिंसा को लेकर नहीं बुलाया गया था, ना शांति की अपील के लिए बुलाया गया था और ना ही सत्र में हिंसा को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब देने के इरादे से सरकार ने इस सत्र को बुलाया था। ना हिंसा में हुए नुकसान का हिसाब किताब दिया गया और ना ही सत्र में मरने वालों के परिजनों को सांत्वना दी गई। इस सत्र में मोदी सरकार की बड़ाई की गई, तारीफ के पुल बांधे गए। क्या ये मजाक है? क्या ये इमरजेंसी नहीं है? क्या ये शॉर्ट नोटिस है? देश में कानून का कोई शासन है या नहीं? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुबह 11 बजे सत्र शुरू होने के तुरंत बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता, मणिपुर के पूर्व CM ओकराम इबोबी सिंह ने सत्र बुलाने के तरीके का विरोध किया। कहा कि एक दिन का विधानसभा का सत्र जिस तरह से बुलाया गया है वो सही नहीं है। राज्यपाल के जरिए कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, लेकिन ये एक दिन का सत्र बुलाना क्या इतना जरूरी था? सवाल उठे कि इस विशेष सत्र या आपातकालीन सत्र को क्यों बुलाया गया? एक विशेष सत्र, आपातकालीन सत्र बुलाकर दंगों पर बात की जा सकती थी। विपक्षी सांसदों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया। चंद्रयान 3 के बारे में लोगों को बताया, वैज्ञानिकों का आभार जताया, प्रधानमंत्री का आभार जताया। मिशन में राज्य के डॉक्टर रघु निंगध्वजम के योगदान के बारे में बताया। 9 मिनट में कार्रवाई पूरी हो गई और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। स्थिति यह थी कि कैबिनेट में मौजूद कई मंत्री, 10 आदिवासी विधायक सत्र में नहीं पहुंच पाए क्योंकि उन्हें अपनी जान का डर था। मणिपुर में कानून व्यवस्था का हाल यह है कि डर की वजह से विधायक और मंत्री विधानसभा सत्र में शामिल होने के हिम्मत नहीं जुटा पाए और मुख्यमंत्री चंद्रयान 3 के सपने दिखाकर ताली पीट रहे थे। मुख्यमंत्री का काम था राज्य की हिंसा को रोकना, लोगों को शांति और सद्भावना की तरफ लाके आना, लोगों को सांत्वना देना, जिनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना। लेकिन मुख्यमंत्री तो चांद पे जाने के सपने देख रहे थे और चांद पे जाने वाले मुख्यमंत्री धरातल से पूरी तरह से कट चुके हैं, ये साफ है। और इसीलिए मणिपुर के विधानसभा सत्र में चांद की बात हो गई, 200 रुपए सिलेंडर पे कम हो गए इसकी बात हो गई, लेकिन जो लोग पिछले 100 दिन में मारे गए उन पर बात नहीं हो पाई। 100 दिनों में कितने हजार लोगों ने अपने घरों को छोड़ा इस पर बात नहीं हुई, कितने घर जलाए गए इस पर बात नहीं हुई, बीजेपी के कितने मंत्रियों पर जानलेवा हमला हुआ इसकी बात नहीं हुई, कितने विधायक अपने घरों को छोड़कर अस्पतालों में पड़े हुए हैं क्योंकि उन पर जानलेवा हमला हुआ था उसकी बात नहीं हो पाई। ये है देश में डबल इंजन की सरकार के फायदे और डबल इंजन सरकार के जरिए भारत के लोकतंत्र की एक बदनुमा तस्वीर।